दोस्तों, मेरी जो माता रानी को अखंड ज्योति 9 दिन की जलाई जाती है, वो क्यों बुझ गई, क्या कारण से बुझ गई, क्यों खंडित हो गया, मैं वो चलिए बताऊंगी आज। और क्या अशुभ संकेत था इसका, कि शुभ संकेत था, वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। और मेरे परिवार पे ये बहुत जो है कष्ट दे दिया। और मेरे भाई साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इनको एडमिट किया हॉस्पिटल में ले जाके फ्रेंड। तो इसीलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और आप लोग को पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है हम लोग की आज। तो फ्रेंड, अभी हम लोग कष्ट में हैं थोड़ा सा, बस माता रानी अच्छा कर दे, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, बस जल्दी ही फ्रेंड सब कुछ अच्छा हो जाए पहले जैसा। तो खंडित हो गया, पता नहीं क्यों, किस वजह से फ्रेंड, किस कारण से, ये पता ही नहीं है, मतलब कि क्यों हो गया। 8वें दिन ये जो अखंड ज्योति होती है ना, तो वो फ्रेंड अचानक से पता नहीं किसे ऐसे आवाज़ आने लगी, जैसे जो तेल, जैसे कढ़ाई में जब पानी चला जाता है 2-4-10 बूंद या फिर 2-4 बूंद तड़ाता है, फिर उसी तरीके से इतना धड़ा रहा था, खूब उसमें चिंगारियाँ निकल रही थी इतना कि क्या बताऊँ। और उसके बाद फ्रेंड वो बुझ गया, लास्ट में खंडित हो गया, और फिर अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं कोई क्या कर दिया क्या नहीं। एवरीवन, जय माता दी। फ्रेंड कैसे हैं आप सब भाई, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, क्योंकि बहुत ही मतलब आप लोग फैमिली के जैसे हैं, आप लोग फैमिली ही है मेरे, तो मैं हर बातें शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो मैं ये भी बताऊँगी आज, तो मेरे घर में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो गई है, तो मेरे जो जेठ जी हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसकी वजह से मैं आज ना थोड़ा वीडियो नहीं बना पाई, काफ़ी लेट हो गया फ्रेंड। और सब का मतलब कि मेरे हस्बैंड जी और जो मेरी जेठानी जी हैं वो लेके गए हैं, सब लोग एडमिट किए हैं, तो तबीयत उनकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पूरी रात पलटी हो रही थी, आराम ही नहीं हो रहा था फ्रेंड, बहुत चक्कर आ रहा था उनको, इसीलिए लेके चले गए, सब लोग एडमिट किए हैं। तो चारों बच्चे जो है घर में मेरे पास हैं, तो मैं देख रही थी, तो नहलाना धुलाना जो भी काम था सब काम करने के बाद, अभी मैं बर्तन वर्तन नहीं धुल रही हूँ, किचन पूरा ऐसे पड़ा है, गंदा है बहुत, मैं क्या ही बताऊँ। अब मैं बच्चों को नहीं देखूँगी, ये लोग मार पीट करते हैं, थोड़ा सा बदमाशी भी हो जाती है। तो फ्रेंड बस ये समझ लीजिए कि भगवान किसी की तबीयत, मतलब भगवान किसी को कष्ट ना दें, क्योंकि बहुत तकलीफ होता है, चाहे वो अपने घर का हो या फिर कोई बाहरी हो। तो फ्रेंड बस इतना ही कहूँगी कि प्रे करूँगी माता रानी से कि ठीक हो जाए उनकी तबीयत, जल्दी से उनको आराम हो जाए, क्योंकि फ्रेंड ये देखिए, बड़ी बाबू मेरी जिठानी की बड़ी मतलब बिटिया है, तो हम सब लोग साथ में ही, मतलब मेरे चारों बच्चे और मैं साथ में ही हूँ, तो ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा कभी होता नहीं है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब चारों बच्चों को लेके मैं अकेले हूँ घर में, और कोई नहीं है, और डैडी चले गए अपना कचहरी, और मेरे हस्बैंड जी वहीं हैं, देखो क्या होता है, कैसे होता है, कब तक, अभी तो एडमिट कर लिए हैं तुरंत, उनको ड्रिप वगैरह चल रही है, तो अभी कुछ पता नहीं है फ्रेंड, अभी मतलब कि कितना टाइम लगेगा कितना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अभी बस ये समझ लीजिए आप लोग कि अभी जो ये समय है हम लोग के लिए थोड़ा सा कष्टदायी है। और मतलब कि फ्रेंड अभी, अब चलो ऐसा है ना कि अभी हम लोग ये सोचते हैं ना कि पता नहीं क्यों जो है हम लोग के घर, मतलब जो अखंड ज्योति होती है ना, मेरे घर में कभी मतलब बुझती नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसा क्या हो गया कि फर्स्ट टाइम अखंड ज्योति मेरे घर में खंडित हो गया, जो कि कभी ऐसा नहीं होता था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अखंड ज्योति जो थी ना हमारी वो बुझ गई। और पहले तो उसमें से जैसे तेल में पानी कोई डाल दे ना, तड़तड़ा रहा था ना तेज से, तो मैं सोच रही थी कि जैसे पानी चल रहा था, जो बड़ी वाली मोटर होती है पानी घर में चलता है तो उसे आवाज़ आती है, मैं इनसे बोल रही कहाँ पानी चल रहा है, अभी अपने हस्बैंड जी से बोल रही हूँ, तो वो बोले कि पता नहीं, फिर मैं देखी, मैं बोली कहती वो दिया बुझ गया, खंडित हो गया, उसमें से इतना आवाज़ आ रही है, तो मेरे हस्बैंड जी कह रहे हैं लग रहा है कि कुछ जो है कभी ना कभी अगर ऐसे कुछ करता है तो ये समझ लो बहुत बेकार चीज़ है, और ये बहुत कष्टदायी हो सकता है हम लोगों के लिए। और हुआ वही फ्रेंड कि उसी दिन से मेरे मतलब जेठ जी की तबीयत ख़राब हो गई, मेरे भाई साहब की, आज ऐसा हो गया कि उनको ले जाके एडमिट करना पड़ा, और मतलब कि वो अच्छा नहीं था हम लोग के लिए, वो बहुत ही, उसका जो बुझना खंडित होना बहुत ही अशुभ था हम लोग के लिए। तो आठ वही जिस दिन हम लोग अष्टमी थे उसी दिन जो है, उसी दिन ही वो जो अखंड ज्योति होती है 9 दिन तक जलती है जो, वो ना उसी दिन बुझ गई थी, बीच में ही खंडित हो गई, बीच में क्या बस एक दिन बचा था,
उसी बीच में खंडित हो गई। और मैं चलिए दिखाती हूँ आपको, मेरे चारों बच्चे अभी यहीं हैं। थोड़ा ये लोग बनमासी करते हैं फ्रेंड, इसकी वजह से ना इन लोग को देखना पड़ता है। चारों बच्चे मेरे यहीं हैं, ये देखिए छोटी है सबसे ज्यादा, लेकिन देखिए इसी में खेलती है फ्रेंड। और ये मेरा मतलब बड़ा भैया, और इसके बाद ये बाबू मेरी, और मेरे जिठानी दोनों बच्चे हैं। ये मेरा भैया मतलब बड़ा भैया, जिठानी बड़ा बेटा, उसके बाद बेटी छोटी है। उसके बाद ये आ जाता है, ये जो है मेरा बेटा बड़ा है और ये बेटी छोटी है। तो फ्रेंड ये लोग जब आपस में बनमासी करते हैं ना, तो इन लोग को चोट भी लग जाती है, ऐसा नहीं है चोट नहीं लगती। तो इसी तरीके से इन लोग का दिन बीतता है। तो इनकी बड़ी मम्मी रहती है, तो इन लोग को देखती हैं, और इनको देखना आसान बात नहीं है क्योंकि इन लिए लोग संभालते नहीं हैं किसी से। तो फ्रेंड इतना उधम मचाते हैं, इतना उधम मचाते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से उधम मचा रहे हैं। और कोई मानता नहीं है, अगर तुम बोलो ना डांटो ना, तो ये लोग मानते भी नहीं हैं। तो फ्रेंड यही सब मैंने सोचा विचारा, और उसके बाद सोचे विचारे बाद अब मैं डिसाइड कर ली हूँ कि काम बाद में करूँगी, बर्तन बाद में धुलूँगी, और सबसे पहले मैं मतलब बच्चों को देखूँगी क्योंकि ज़रूरी हैं बच्चे इन लोगों को, ताकि चोट ना लगे। तो गाइस इसीलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होता है कि पहले मैं बच्चों को देखूँगी, और जब बच्चे मेरे सो जाएंगे, कोई सो जाएगा, तब मैं काम करूँगी। क्योंकि अभी मैं किचन दिखा दूँगी उधर आप लोगों को फ्रेंड्स, ये देखिए ये लोग सब जग रहे हैं, सब खेल लेंगे, बनवासी करेंगे। और उसके बाद ये देखिए मैं किचन दिखा रही हूँ, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ये मेरा किचन है, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड ये किचन है, कितना गंदा है पूरा। और इधर ये देखिए पूरा चीनी उनी सब इधर उधर, सब डब्बा डब्बी सब जितना है रैक में रही रखी हूँ, सारा कुछ एकदम इधर उधर हो गया है फ्रेंड। तो अभी मैं नाश्ता भी नहीं की हूँ, कुछ खाई पी नहीं हूँ, बज गया है 12 से 1। और वीडियो भी मैं आज लेट जो है बना रही हूँ, मैं सोची कि लाओ मैं आप लोग को से शेयर कर देती हूँ, ज़रूरी है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं वीडियो शूट करती हूँ हर कुछ, तो इसीलिए मैंने सोचा फ्रेंड। तो क्या मैं अगर सही कह रही हूँ फ्रेंड, तो आप लोग बताना। अगर वीडियो अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड कौन कौन सपोर्ट करता है मेरा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि ये जो समस्या है अभी अभी जो ये हम लोग का जो दिन चल रहा है, ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी मेरे हस्बैंड जी जॉब पे जाने वाले थे 2 दिन बाद, उनका भी टिकट अब कैंसिल हो गया फ्रेंड। तो ऐसे वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग, पूरा स्किप मत करिएगा, बताइएगा मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही फ्रेंड। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, जय माता दी, खुश रहिए और एक दूसरे को खुश करते रहिए फ्रेंड। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय फ्रेंड।